बच्चों सुप्रभात। आज हम सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक विज्ञान के तीसरे पाठ लोकतंत्र विविधता का अध्ययन करेंगे। पहले और दूसरे पाठों में हमने सत्ता की साझेदारी और संघवाद के माध्यम से जो समाज के बारे में भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हमने शासन को समझने की प्रयास किया था। इस अध्याय में हम जाति, रंग, धर्म व लिंग के आधार पर समाज को समझेंगे कि विविधता, जैसा कि नाम है लोकतंत्र विविधता, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली होती है जिसमें जनता की सहभागिता होती है और वो शासन प्रणाली जो होती है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। विविधता का अर्थ जहाँ अनेक प्रकार के लोग हों, विभिन्न जात के हों, विभिन्न धर्म के हों, विभिन्न रंग, लिंग, इन सब के आधार पर जो विभिन्नता पाई जाती है यही विविधता होती है। अब लोकतंत्र में विविधता किस प्रकार सहायक होती है या उसका क्या महत्व होता है, इस पाठ में हम ये अध्ययन करेंगे। पाठ के प्रारंभ में एक ओलंपिक, मैक्सिको ओलंपिक कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक हुआ था जिसमें 200 मीटर की दौड़ में 3 लोग विजयी हुए थे, 2 टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये अश्वेत थे, अश्वेत अमेरिकी, अश्वेत अमेरिकी मतलब जो मूल निवासी अमेरिका के नहीं थे, ये अफ्रीका से लाए गए 17वीं और 19वीं शताब्दी के लाए हुए मजदूर टाइप के थे जो वो अपने यहाँ लाए थे और इनको गुलामी के रूप में रखते थे। तब 200 मीटर की दौड़ में जब पदक समारोह हुआ तो अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था, तो 2 जो खिलाड़ी थे वो सिर झुकाए और मुट्ठी ताने खड़े हुए थे। यह अमेरिकी धावक टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस थे। टॉम स्मिथ ने स्वर्ण पदक जीता था, जॉन कार्लोस ने कांस्य पदक जीता था। इन्होंने उस समारोह के दौरान जूते नहीं पहने थे, मोजे पहने थे और अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान पहने हुए थे। और कार्लोस जो था वो एक मन जो वहाँ अफ्वैत लोग जो मारे गए थे उनके नाम की एक माला पहने हुए था। तो अब ये इन्होंने मफलर पहना था, माला पहनी थी, तो इसका ये प्रतीक चिन्ह या मोजे पहने थे, जूते नहीं पहने थे, इन सब का उद्देश्य ये था कि इन समाज में अशिक्षा है, गरीबी है, रंग भेद है और पूरे विश्व समुदाय का जो अमेरिका में अश्वेतों के साथ जो रंग भेद की नीति अपनाई जा रही है तो उसका ध्यान आकर्षित या आकर्षित करने का प्रयास किया गया था। इसके बाद में तीसरा एक खिलाड़ी था वो ऑस्ट्रेलिया का धावक था पीटर नार्मर, हालांकि वो अश्वेत नहीं था, वो श्वेत था। उसने अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का एक बैच लगाया था, बिल्ला लगाया था और उसने अपने इन दोनों साथियों के समर्थन में अपना समर्थन दिया कि हाँ ये जो है रंग भेद की नीति के शिकार हैं, इनके साथ ऐसा न हो। परिणाम स्वरूप ओलंपिक संघ ने इन तीनों से जो पदक जीते थे, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक, इन तीनों को वापस ले लिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और इस बात पर बल मिला कि हाँ आपके यहाँ ये रंग भेद की नीति अपनाई जा रही है। तो इस आधार पर ये हम पहला कहानी के माध्यम समझेंगे कि इनका कहने मतलब ये था कि लोकतंत्र है तो इनके साथ ही भेदभाव क्यों, इनकी भी शासन सत्ता में समानता हो, भागीदारी हो और हर चीज में ये समानता का अधिकार रखें। इस कहानी से समझाने का ये प्रयास किया गया है। नेक्स्ट के वीडियो में
आगे की बातें होंगी। थैंक यू।